आपको फ्री में BGMI की यूसी और फ्री फायर डायमंड जीतना है तो एक जबरदस्त ऐप के बारे में आप सभी को बताता हूँ जिसका नाम है IMBR। आपको आसानी से फ्री फायर डायमंड और यूसी पाना है तो ध्यान से देखना, इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। ज्वाइन IMBR जो है इंडिया का नंबर वन सोशल गेमिंग ऐप बैटल रॉयल प्लेयर्स के लिए। इसमें आप फ्री फायर, BGMI और COD मोबाइल खेल के एक्साइटिंग रिवार्ड जीत सकते हो। आप अपने सिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हो डेली और वीकली बैटल्स में और सिटी MVP बनके बोनस रिवार्ड जीत सकते हो, जैसे फ्री फायर डायमंड्स, BGMI, यूसी और COD पॉइंट्स। IMBR यूज करना बहुत ही सिंपल है। आप अपने गेम को खेलते रहो और IMBR आपके स्कोर को ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेगा और आपको शार्ट्स और स्क्रैच कार्ड मिलेगा। इनको आप रिडीम कर सकते हो शॉप में जाकर और प्राइजेस डेली रिफ्रेश भी होते रहते हैं। इसमें खेलने के लिए फ्लिपकार्ट, अमेजोन और मिंत्रा गिफ्ट कार्ड मिलेगा और बढ़िया खेलते हैं तो सैमसंग फोन, लिनो टैबलेट, JBL स्पीकर और खूब सारे फीचर्ड प्राइजेस भी हैं। तो वेट किस बात की है, ज्वाइन द कम्युनिटी ऑफ 8 लाख प्लस गेमर्स, जल्दी डाउनलोड कीजिए IMBR, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी क्लिक करो। टेरर भाई पता नहीं कौन थे और क्यों मारना चाहते थे हमें, मैं तो पूछ रहा था उनसे, तभी किसी और ने उसको भी मार दिया और वो भाग गया वहां से उसको मारते ही। फिर पावर से पीछा करना चाहिए था ना उसका। अरे नहीं नहीं, पावर्स है ना, पता नहीं चलता इतना सब कैसे यूज करनी है, और मैंने अभी पावर्स यूज की ना, फुल पावरफुल वाली फीलिंग आई, वो भी फेरो की तरह एंशिएंट वाली। उसने पावर्स दी ना तेरे को, इसलिए उसके जैसी ओल्ड पावर्स वाली फील आ रही होगी तुझे। इसे छोड़, मेरा प्लान सुन, तू जाकर काले की गन्स की फैक्ट्री बंद करवा और मैं चला काले की पत्नी काली के पास, वो भी विकेंडी में ही रहती है एक जगह, एक खबरी से एड्रेस का पता लगवाया उसका अभी। उसकी काली को तो भूल ही गए थे सब टेरर भाई, आपका भी जवाब नहीं, पता नहीं कहां कहां से लाते हो ऐसे आइडियाज ढूंढ के। अरे थैंक्स थैंक्स यार, अब इतनी भी तारीफ मत कर मेरी, काम भी नहीं कर पाऊंगा फिर तो मैं। तू जा जल्दी काम पर लग जा, मैं भी चलता हूँ काली से मिलने, उससे कुछ सीक्रेट उगड़वाना तो पड़ेगा ना। Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper. Yes? कौन? अरे बाबी जी प्रणाम, पहचाना नहीं क्या? मैं टेरर, काला भाई का दोस्त इरेंगल से। कौन काला? मैं किसी काले भाई को नहीं जानती और ना ही मैं कभी इरेंगल गई हूँ। पर मैंने तो कहा ही नहीं आप इरेंगल गए, मैंने तो बस अपना बताया मैं इरेंगल से हूँ। झूठ मत बोलो यार, मुझे सब पता है आप ही हो काली, मुझे काम था आपसे और आपकी हेल्प भी कर सकता हूँ मैं। कैसी हेल्प? मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। ओके जाओ तुम यहाँ से, नहीं तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। मुझे पता है काले का और आपका डिवोर्स हो चुका है, चुपके चुपके किसी को पता तक नहीं लगने दिया आप लोगों ने, और ये भी पता है आपका एक बच्चा भी है। क्या चाहते हो जल्दी बोलो, पर ये बात अगर किसी को बताई ना तूने तो अपनी जान गवां बैठोगे, ये ध्यान रखना। मरवाओगी किससे? काले से कहकर मरवाओगी क्या? जिसके साथ तलाक हो चुका है आपका, वो कभी मिलने देखने तक नहीं आता आपको गन्ना चूस के। भूल गए अभी जो कहा, मेरा एक बेटा भी है तो वो एक गैंगस्टर का बेटा ही ना, खून में तो बारूद ही भरा है उसके भी, समय आने पर वो भी दिखेगा तुम लोगों को। अभी तो बोल जल्दी क्या काम है और निकल यहाँ से चल। मुझे बस काले की कोई एक कमजोरी बता दो जिससे मैं उसको ब्लैकमेल कर सकूं, यही चाहिए मुझे और आपको बताना ही पड़ेगा, नहीं तो पता ही है आपको क्या होगा। काले की कमजोरी थी मैं, इसी वजह से मुझे उसने अपने से अलग कर दिया, इसके अलावा उसकी कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन शायद उसका बेटा हो सकता है कुछ परसेंट, क्योंकि उसके लिए वो हर महीने पैसे भेजता है। ओहो ये बात है क्या? चलो ठीक है, बाय बाय चलता हूँ, टेंशन मत लो, मैं ये सब किसी को नहीं बताऊंगा। गन्ने की कसम। निकलो और कभी दोबारा यहाँ दिखना भी मत। ओवरलोड महाराज, काम हो गया, मैंने वहाँ जो पावर यूज हुई उनकी एनर्जी से सैनर्जी वगैरह वगैरह वट एवर से पता लगाया कि वो लोग कहाँ गए हैं गायब होकर।
अच्छा काम किया। कहाँ गए हैं वो लोग? चलो उस फैरो के पास चलते हैं, आखिरकार उसको देखें तो सही वो कैसे जिंदा हो गया, और अगर हो भी गया तो दोबारा भी तो मारूंगा ना उसे। हाँ हाँ चलो चलते हैं। उन पावर्स से वो लोग कहीं पर टेलीपोर्ट होकर गए हैं। मैंने जब चेक किया तो वो जगह वीकेंडी में स्पॉट हो रही थी। चलिए वहीं चलते हैं। इसका मतलब हमें फ्यूचर में जाना पड़ेगा और वो लोग यहाँ पास्ट में आए थे। इतना सब करना जानते हैं तो वो उसे हल्के में तो नहीं ले सकते हम। देख लेंगे महाराज, चलिए आप मेरे साथ जल्दी। दो दिन पहले तेरे भाई टेरर को भी इसीलिए मार कर आए थे, पता नहीं चला क्या तुझे, जो वापिस यहाँ हमसे पंगे लेने आ गया। काला बॉस पे भी अब पावर्स हैं, हल्के में मत लेना हमें अब तू। तेरे बॉस काले ने पावर ले ली तो क्या हम नहीं ले सकते? चल तेरे को दिखा ही देता हूँ एक सरप्राइज अभी, वेट। अबे ये क्या, तेरे पास भी पावर्स? ये क्या हो रहा भाई यहाँ पे? किंग ऑफ BGMI की सीरीज का नाम बदलकर पावर्स की रेस क्यों नहीं कर देते? जिसको देखो वो पावर्स के पीछे पड़ा, सबके पास ही पावर्स आ गई हैं। अबे तू तो बोल रहा था फैरो के पास लेकर चलेगा, पर यहाँ तो कोई और ही है। वो देख एंशंट वाली पावर यूज कर रहा है, फैरो तो आसपास भी नहीं है यहाँ कहीं पर। मैं क्या बताऊँ सर, एंशंट पावर को टारगेट करके यहाँ पर टेलीपोर्ट करके लाया हूँ मैं तो बस। अब आप बताओ सर क्या करें। अबे जाने दे यार, नोक तो कर दिया, क्यों मार रहा है गरीब को भाई, जाने देना यार। फैक्ट्री ले ले तू तो भाई, मुझे जाने दे, तू फैक्ट्री रख अपनी। मुझे फैरो चाहिए फैरो, जो करना है कर, ढूंढो उसे कैसे भी करके। उसकी एंशंट वाली पावर यहाँ आई कैसे? एंशंट वाली पावर? फैरो कौन हो आप लोग, क्या करने आए हो यहाँ पर? मैंने सुना अभी आप फैरो और एंशंट पावर की बातें कर रहे थे कुछ। Myself ब्रेम्बल ओवरलोड, एंशंट का विलन। मैंने बहुत पहले, हजारों साल पहले, फैरो को मारने के लिए उसे हराकर जिंदा दफन कर दिया था, और आज ये बोल रहा है वो यहीं पर है और जिंदा भी है। उसकी पावर से टेलीपोर्ट होकर वो यहाँ आया है। फैरो जिंदा है और यहीं है दूसरी जगह एरेंगल में। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ यहाँ ये सब करने में, बदले में आप मेरी कर देना, बताओ है मंजूर? ओके डील डन, मुझे फैरो चाहिए और बदले में तुमको जो चाहिए मिल जाएगा, पर अपनी औकात अनुसार मांगना, मुंह मांगी चीज नहीं मिल जाएगी। टेंशन मत लो ओवरलॉर्ड जी, अब आपको दिखाएंगे हम तांडव। ओए होए होए होए, क्या बात है, तो एंशंट जमाने के लोग आ गए हैं BGMI में, और गब्बर हाथ भी मिला गया इनसे। ये तो खबर बड़ी खतरनाक है बे, फैरो को भी मारना चाहते हैं ये तो ऊपर से। जल्दी से काला बॉस को गेम समझाना पड़ेगा, कहीं बाजी हाथ से ना चली जाए ये अपने। बॉस एंशेंट का डोर ओपन हो चुका है, अब लोग यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ आ जा सकते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, दो आदमी आए हैं एंशेंट से और गब्बर साथ भी ले गया उनको। और क्या बात कर रहा है, और क्या क्या सुना फिर तूने, क्या करने आए हैं वो लोग यहाँ पर? फैरो के पीछे पीछे आए हैं वो, ऐसा सीन था। और एक ट्विस्ट सुनो, उस गब्बर के पास भी पावर्स आ गई हैं पता नहीं कैसे, जान बचाकर भाग कर आए हूँ, नोकी कर दिया था मेरे को तो उसने। अरे बच गया ना, अब चिल कर, अब देख लेंगे उस गब्बर को, पहले इन एंशंट वालों का कुछ करना पड़ेगा, और किंग बनना है तो हमें सबसे ताकतवर भी बनना पड़ेगा। तूने क्या कहा अभी, वो लोग फैरो के लिए यहाँ पर आए हैं, पर क्या करने आए हैं वो? फैरो को मारने वारने की बातें कर रहा था वो, शायद कुछ ना कुछ तो कांड हुआ होगा, क्योंकि फैरो भी तो एंशंट से ही था ना, कुछ ना कुछ तो चक्कर जरूर चल रहा है बॉस। ओ चल फिर फैरो के साथ मिलकर इनको हराते हैं। वैसे नहीं यार, इनको हरा दिया तो अपना क्या फ़ायदा, और उनके साथ मिल गए तो गब्बर का फ़ायदा हो जाएगा। फिर तो एक ही काम बचा है, बैठकर तमाशा देखने का, जो होगा देख लेंगे, पहले लड़ने दो दोनों को। तो एक और ट्विस्ट ऐड कर देते हैं, क्या बोलते हो बॉस, फैरो को ये खबर दे देते हैं चल के? नहीं नहीं अपने को क्या, मजे लो अब।
अच्छा तो ये प्लान है इन सब का। इन एंशेंट वालों से मिलने की बजाय मैं एंशेंट में ही क्यों नहीं चला जाता हूँ, वहीं जाकर कुछ पावरफुल माल हाथ लगेगा मजेस्टिक गॉड को हराने का। टेक्नो बेटा रेडी हो जा, आ रहा हूँ मैं, अपना टाइम आ गया समझो, वहीं जाकर वहीं पर राज करेंगे। ब्लड रेवन अब क्या करें, वहां से बचकर भाग तो आए पर हमें और ताकतवर होने की जरूरत है यार, जिससे हम जल्दी जल्दी उस एक्सूट गैंग को खत्म कर सके और किंग भी बन सके BGMI के। एक्सूट गैंग को तो अभी पहले ही खत्म करेंगे, एक काम करते हैं फेरो भाई, तुम एंशिएंट पावर्स पर फोकस करो, हमें कैसे भी उस उड़ने वाले कैसर में एंट्री मारनी पड़ेगी, तभी कुछ पता चल पाएगा हमें। और दूसरा काम एक्सूट गैंग का वो मैं संभालता हूँ। यार हम दोनों क्या क्या करें, काश तेरे वो मैचा कोंग भी यहाँ होते, कुछ ना कुछ तो हेल्प वो भी कर देते अपनी। क्यों दुखती नस पर हाथ रख दिया यार, बहुत याद आती है मुझे तो उनकी, वो भी उस सिल्वेंस की वजह से ही मरे थे। अब तो मैं उस सिल्वेंस को छोड़ूंगा ही नहीं, सब कामों से पहले मैं उस सिल्वेंस की मौत का ही काम करूँगा। सिल्वेंस आ रहा हूँ मैं, छुप ले जहाँ भी छुपना है, ढूंढ के मारूंगा तुझे। सो हे गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना और चैनल को कर लो सब्सक्राइब अगर नए हो तो। और बस यही था, कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट बता देना और कौन सा करेक्टर आपका सबसे फेवरेट है, आपको क्या लगता है आगे स्टोरी में क्या होने वाला है, तो ये सब कमेंट करके सजेशन वगैरह दे दिया करो भाई, मजा आता है आपके कमेंट्स पढ़ने में। ठीक है तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, बाय बाय टाटा, थोड़े बहुत ब्लॉपर्स देख लो और वीडियो में आना है तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो।